आप मेरे गार्डन में खिले हुए इन फूलों को देख रहे हैं? ये दिखने में जितने खूबसूरत हैं उतने ही ज़्यादा मेरे गार्डन की शोभा को बढ़ा रहे हैं। बट आज मैंने इन प्लांट्स को उखाड़ कर फेंक दिया है। मैंने ऐसा क्यों किया और आगे मैं क्या करने वाली हूँ, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवानी और मेरे चैनल प्लांट्स माई पीस में आप सबका स्वागत है। मेरे 9 o'clock और बेशरम के जितने भी प्लांट्स थे, जितने भी मेरे पॉटलाका या पर्सलिन के प्लांट्स थे, मैंने उन सबको अपने गार्डन से उखाड़ कर फेंक दिया है। मैंने कुछ सदाबहार और कुछ गेंदे के मैरीगोल्ड के प्लांट्स को भी उखाड़ दिया है। मैंने ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब मैं अपने विंटर गार्डन की तैयारी शुरू कर रही हूँ। आप इस बहुत बड़े पॉट को देख रहे हैं, ये मेरा वाटर टैंक है जिसको मैंने काट कर एक पॉट बनाया हुआ है। इसमें भी ये बहुत सारे बेशरम के प्लांट उगाए थे। एक्चुअली मेरे हाफ ऑफ द गार्डन में बेशरम के प्लांट अपने आप ही उगाए थे, जो धीरे धीरे करके मेरे सारे पॉट्स को कवर कर चुके थे। नए गार्डन के लिए उन पुराने प्लांट्स को हटाना बहुत ज़रूरी था। ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें पूरा हटा दिया है, मैंने एटलीस्ट 90% प्लांट्स को हटाया है और 10% अभी भी हैं जो आराम से डबल हो सकते हैं, ट्रिपल हो सकते हैं और फिर से पूरा गार्डन भर सकते हैं। मैं अपने इस पुराने पॉट को, इस वाटर टैंक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रही हूँ एक छोटा सा मिनी गार्डन बनाने के लिए। मैं इस पर एक बहुत प्यारा सा मिनी गार्डन बनाना चाहती हूँ जो पूरा फूलों से भरा हो। मेरी वाटरमेलन कंपोज्ड वाली वीडियो में मैंने इस पॉट के अंदर वाटरमेलन के छिलकों को दबाया था, जो आज पूरी तरीके से डिकम्पोज होकर खाद बना चुके हैं। इस मिट्टी के अच्छे से गुड़ाई करने के बाद मैं इस प्लांट पॉट को धूप में एक दिन के लिए छोड़ दूंगी, जिससे इसके पॉट में अच्छे से धूप लग जाए और सारे इंसेक्ट्स और फंगस मर जाए। जब मेरे प्लांट की मिट्टी अच्छे से धूप में सूख जाएगी, उसमें से जो भी फंगस इंसेक्ट्स की प्रॉब्लम्स है वो धूप की वजह से कम हो जाएगी या मर जाएगी, तो मैं उसमें न्यूट्रिशन मिलाने वाली हूँ। इस पॉट में पहले ही बहुत सारा न्यूट्रिशन है और कुछ जो मैंने इसमें कंपोज दबा के रखे हुए थे उनका न्यूट्रिशन भी इसके अंदर आ चुका है। मैं इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिला रही हूँ और इंसेक्ट्स और फंगस से बचने के लिए नीम खली भी। ये दोनों ही चीज़ें किसी भी पॉटिंग मिक्स में बहुत ज़रूरी हैं। थर्ड नंबर पे मैं इसमें मिलाने वाली हूँ मस्टर्ड केक पाउडर, यानी सरसों की खली। देखिए, वैसे तो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र में मस्टर्ड केक पाउडर या मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती रहूँगी, बट मैं स्टार्टिंग में पॉटिंग मिक्स को इसलिए प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि मुझे आगे इन फ्यूचर अपने सैपलिंग्स को छेड़ना ना पड़े। मैं इसमें फंगीसाइड भी मिला रही हूँ क्योंकि रेनी सीजन में आपके पॉटिंग मिक्स में फंगस का लगना बहुत ही नॉर्मल है। मैं अपने जो भी न्यूट्रिशन है उनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये जो मैंने मिट्टी तैयार की है ना, ये मेरे मिनी गार्डन का बेस है। मैंने अपने इस मिनी गार्डन के अंदर वो सब चीज़ें डाल दी हैं जो मुझे बार बार ना डालनी पड़े, फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र या थोड़ी बहुत खाद से काम चल जाएगा। मैं बेसिकली जो भी प्लांट्स इसमें अब लगाने वाली हूँ, मैं उन्हें बार बार शिफ्ट नहीं करने वाली हूँ। मैंने अपने लास्ट सीजन में बहुत प्यारे मैरीगोल्ड के बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर्स उगाए थे जिनको मैंने सुखा कर रख लिया था। मैरीगोल्ड के प्लांट की सबसे अच्छी बात है कि वो एक छोटे से छोटे पेटल से भी उग जाता है। अगर आपके पास एक फूल है, आप उसको भी तोड़कर डाल दीजिए तो आपका एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। लास्ट टाइम तक ये हो रहा था कि मेरा कोई भी प्लांट में फ्लावर सूख जाता था तो मेरी बेटी उसे तोड़कर किसी भी पॉट में डाल देती थी और वहाँ एक नया प्लांट तैयार हो जाता था। मैंने ये पुराने वाले फ्लावर्स इसलिए संभाल कर रखे क्योंकि वो बहुत बड़े साइज़ में आए थे और कभी कभी जेनेटिकली भी प्लांट की जो फ्लावर का साइज़ है ना, वो उससे भी फ़र्क पड़ता है। वो फ्लावर्स के बहुत बड़े बड़े साइज़ थे, अगर मैं उनके पेटल्स यूज़ करूँगी तो मुझे लगता है कि अब जो प्लांट्स आएंगे उनकी ब्लूमिंग भी बहुत अच्छे से होने वाली है। बाकी उसमें न्यूट्रिशन तो मैं टाइम टाइम पर प्रोवाइड करती रहूँगी। ये पेटल्स या ये सीड्स डालने के बाद मैं इसमें वाटरिंग कर रही हूँ ताकि मेरे प्लांट्स के सीड्स को मॉइस्चर मिलता रहे। किसी भी सीड को स्प्राउट होने के लिए, किसी भी सीड को उगने के लिए मॉइस्चर की ना बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे में अपने पॉट को अगर आप कवर करेंगे तो आपको 2-3 फायदे होने वाले हैं। मेरे साथ फ़ायदा ये है कि मेरा जो ये बहुत बड़ा टैंक है, मैं इसको मूव नहीं कर सकती बार बार और ये बाहर छत पे रखा है, तो कवर करने से ये बारिश से बचता है। दूसरा, मेरे प्लांट की मिट्टी में मॉइस्चर रहता है जिससे मेरे प्लांट जल्दी से ग्रो करते हैं। तीसरा, मेरे प्लांट्स के जो सीड्स हैं उनको मैं बर्ड से बचा पाती हूँ क्योंकि बर्ड्स आते हैं और वो सीड्स को उठा कर ले जाते हैं, खा लेते हैं, जैसे भी उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो तीनों ही कारणों से ये पन्नी कवर करना मेरे प्लांट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये देखिए, 2 ही दिन के अंदर मेरे जो सीड्स हैं वो स्प्राउट होने लगे हैं, वो उगने लगे हैं और धीरे धीरे करके मेरा ये पॉट भरने वाला है। तो ऐसे ही कवर करने से मैं अपने सीड्स को बहुत जल्दी ग्रो कर पा रही हूँ। धीरे धीरे मेरा ये पॉट पूरा भर जाएगा और मेरा छोटा सा मिनी गार्डन तैयार हो जाएगा। अब जो मैंने प्लांट्स उखाड़ के डाले थे, जो मैंने अपने प्लांट्स उखाड़ के रखे थे, मैं उनको भी वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, मैं उनको फेंकने नहीं वाली हूँ। मैं अपने कंपोस्ट बिन के अंदर उन सारे प्लांट्स को दबाकर उसके ऊपर मिट्टी डाल के अपने लिए कंपोस्ट तैयार करने वाली हूँ। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो मेरा कंपोस्ट तैयार होगा जो मैं अपने प्लांट्स की मिट्टी में दे पाऊंगी, दूसरा
वो मिट्टी जब अपने सीजन के टाइम पे उसमें से जो सीड्स होंगे, जो इस प्लांट की मिट्टी के जो सीड्स होंगे, वो अपने आप ही वहाँ से नया प्लांट तैयार कर पाएंगे। ये देखिए, ये वाला जो प्लांट है ना, मैंने बाहर सूखने के लिए डाला था और बारिश के पानी से न्यूट्रिशन लेके इसमें खुद ही फ्लावरिंग हो रही है। जब भी मेरा मिनी गार्डन तैयार हो जाएगा ना, मैं आपके साथ उसकी वीडियो जरूर शेयर करूंगी। आई होप इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आप इसको अपने नए गार्डनिंग तैयारी में यूज करने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आपने भी अपने गार्डन की तैयारी शुरू कर दी है। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, एंजॉय।